आदाब नमस्कार सत श्री अकाल हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं हूं जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़ न्यूज़। प्यारे वर्ष हम आप पहुंचे हैं राज राजेश्वर मंदिर में, जो कि शिव जी का मंदिर है साठा के अंदर। और यहां शिव भक्तों की कल से ही लगातार यहां पर तांता लगा हुआ है और सुबह से जो है तमाम परिवार के साथ में लोग यहाँ आए हुए हैं, बड़े उत्साह के साथ में जलाभिषेक कर रहे हैं। और जैसे जैसे देखें क्यू लगी हुई है, पंक्ति लगी हुई है, लगातार रश बढ़ता जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस बार जो है विशेष चाक चौबंद व्यवस्था रही योगी जी महाराज प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री जी की तरफ से। कहीं ना कहीं उत्साह दुगना है आज शिव भक्तों का और श्रद्धालुओं का। उसी परिवेक्ष में यहाँ पे एक परिवार है और हम आपसे रूबरू कराते हैं जी। आदाब नमस्कार भाई साहब। नाम क्या है? मैं राजेश गर्ग जी। राजेश भाई साहब अभिनंदन है, चैनल स्वागत है। जलाभिषेक आपने कर दिया यहाँ? हाँ, जलाभिषेक कर दिया जी। सुबह हम आ गए थे अभी। अच्छा। और दोनों ने? हाँ, दोनों ने स्तुति कर ली है भगवान जी की, जलाभिषेक अच्छा, कर दिया है। तो आज जो श्रद्धा के साथ श्रद्धा पूर्वक आपने जो मान्यता होती है मन्नत, और अपने कहीं ना कहीं अपने कुटुंब के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिजनों के पूरे लिए, पूरे विश्व के लिए हमने शांति की प्रार्थना की है। जी जी। और बहुत ही अच्छा लगा आज का, बहुत अच्छा मौसम भी है, इस समय बारिश भी नहीं है। सब लोग शिव भक्त जो है बहुत आराम से और अपना जल अभिषेक कर रहे हैं। बहुत भीड़ लगी हुई है, तांता लगा हुआ है बिल्कुल दूर दूर से। धन्यवाद। अच्छा भाई, से एक छोटा सा सवाल है। इस बार काफ़ी मुझे भी बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ, ग्राउंड जीरो पे भूर चौराया और आपका स्याना बस अड्डा, जितने काफ़ी जत्थों से मेरी मुलाकात हुई, सभी का उत्साह दुगना था। और कहीं ना कहीं योगी महाराज जी से बहुत ज़्यादा संतुष्ट थे। और आपकी जो कानून व्यवस्था और ख़ासतौर से ट्रैफिक निज़ाम के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा सिस्टम था इस बार। नहीं, बहुत अच्छा, सुरक्षित और बहुत बिल्कुल सुरक्षित हर तरह से यहाँ पे व्यवस्था पूरी हरिद्वार से हर क्षेत्र में की हुई है योगी जी ने। और कल तो योगी जी महाराज बागपत मेरठ और हर की पौड़ी फूलों से वर्षा कर रहे थे। वो एरोप्लेन से उन्होंने बहुत अच्छा वर्धन किया पूरे समाज का, पूरे जितने भी शिव भक्त हैं उनका बहुत अच्छा वर्धन किया उन्होंने फूलों से वर्षा हेलीकॉप्टर द्वारा करके। और सब लोगों को पूरा प्रशासन ने बहुत सहयोग किया है, हर तरह से बहुत मुस्तैद रहे हैं पूरे कई दिनों से। बुलंदशहर डीएम साहब की बात करें जी जी, भाई साहब और कप्तान साहब शलोक कुमार जी और सीपी सिंह डीएम साहब, हाँ जी, तो कहीं ना कहीं बुलंदशहर की चाक चौबंद व्यवस्था, कानून व्यवस्था, ट्रैफिक का निज़ाम और दुल्हन की तरह सजा दिया है लाइटिंग के तौर पर। और वैसी तमाम धरातल पर जितनी हमारे यहाँ पर सड़कें हैं, श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। आज सुबह मैं खुद भ्रमण किया है, पूरे सिटी को जो है दुल्हन की तरह सजाया हुआ है। क्या कहना चाहेंगे डीएम साहब और कप्तान साहब? डीएम साहब और कप्तान साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि पूरी व्यवस्था उन्होंने बहुत ही सुरक्षित तरीके से और बहुत ही जिम्मेदारी से उन्होंने निभाई है, जिससे कि पूरी व्यवस्था बिल्कुल शांतिपूर्वक रहा, जो भी रहा, कोई भी किसी तरह से यहाँ पे। तो वैसे भी बुलंदशहर बहुत शांत प्रिय क्षेत्र है, बहुत पहले से यहाँ कुछ होता ही नहीं है। ये उपद्रवी लोग जो हैं सब बाहर के आके कुछ ना कुछ उपद्रव करते हैं, लेकिन इस बार कहीं ऐसी कोई नहीं ऐसी कोई व्यवस्था में राज में सब नहीं, योगी जी के राज में, मोदी जी के राज में पूरी शांति है, पूरे पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही शांति है हर तरह से। भाई साहब, एक सवाल और अभी जहन में आया जी जी, जो कि गुलाउठी के अंदर मुस्लिम समाज के गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा और जमियत उलमा हिंद के मुजफ्फरनगर सहारनपुर में कहीं ना कहीं अपने स्टॉल लगा के जी एक जी सद्भावना सौहार्द के लिए गंगा जमुना तहजीब की मिसाल कायम की, कहीं ना कहीं उनको फूल देकर उनका स्वागत किया, शरबत और सारी चीजें ये हुई हैं। ये हुई हैं तो क्या कहेंगे इस बार? ये हर वर्ष होती हैं, ऐसा नहीं है कि इस बार भी हुई हैं, पर इस बार जो है बहुत उत्साहवर्धन है हर मुस्लिम वर्ग का भी, सबका और अधिक वर्ग, अलग वर्ग जो भी हैं, सब लोगों ने पूरा सहयोग किया है। बहुत सारे भंडारे लगे हैं हर जगह, उन्होंने खाना भी खिलाया है, पानी भी बांटा है, हर तरह से पूरा सहयोग है। हमारी सदियों पुरानी संस्कृति थी भारत की सभ्यता, कहीं ना कहीं बिल्कुल सावन के महीने में इन शिव भक्तों के उसमें हमें कहीं ना कहीं बिल्कुल देखने को मिलती है, बिल्कुल मिलती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाभी जी से बात करें। आदर नमस्कार भाभी जी। नमस्कार।
शुभ नाम क्या है? मेरा नाम नीलम गर्ग है। अच्छा, नाइस नेम भाभी जी। भाभी जी, अब जलाभिषेक किया आपने राज राजेश्वर साठा मंदिर में भाई साहब के साथ में, कैसा लगा अनुभव इस बार? नहीं, हमारा बहुत अच्छा, बहुत अच्छी साफ सफाई रखी गई है और हम हर साल प्रति वर्ष आते हैं यहाँ। अच्छा। और इस वर्ष भी बहुत अच्छा है, हर वर्ष होता है, इस वर्ष और ज्यादा साफ सफाई रखी गई है। और क्या क्या मन्नतें भाई साहब ने तो बताया, बच्चों के लिए, परिवार के लिए? भैया, परिवार के लिए, पर समाज के लिए ही मन्नतें मांगी जाती हैं, जो पूरी भी हो रही हैं। तो आज आज किस उसमें आपने? नहीं, ये तो नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा बता दीजिए आप कि मैंने क्या मन्नत मांगी। सबकी शांति के लिए, समाज के लिए, उज्जवल भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए, सबके लिए मन्नत। इस बार जो श्रद्धालु शिव हमारे भक्त हैं, श्रद्धालु के आपने देखा कांवड़ यात्रा यहाँ पर निकले हुए थे, अभी भी यहाँ मौजूद हैं। आजी, आजी। इस बार कैसा महसूस हुआ आपको इस बार? नहीं, बहुत अच्छा महसूस रूप से, इस बार बहुत अच्छा इंतजाम थे सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से बहुत इंतजाम है और कोई भीड़ भाड़ नहीं है, जैसे एक दूसरे पर चढ़ा हुआ है। इस बार श्रद्धालु का साफ कहना था जीरो ग्राउंड पे कि हम इस बार बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं योगी जी महाराज। हाँ, उस बार उन्होंने बड़ी सख्त तेवर के साथ में सभी आला अधिकारियों की जवाबदेही तय कर दी थी कि कहीं पे भी पुलिस का काफी इंतजाम है। आप देख रहे हैं, महिला पुलिस बैठी हुई है। हाँ जी, महिला पुलिस बैठी हुई है, पूरा मोर्चा लगा हुआ है उनका। तो अच्छा, इस बार अपना शहर को तो भी हम सबके जितने भी जनपद वासी हैं, सब समाज के गणमान्य व्यक्ति, व्यापार संगठन, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जिले के हाकिम डीएम साहब और कप्तान साहब ने भी बहुत अच्छी रणनीति बनाकर यहाँ पर बड़ा अच्छा स्वार्थ चाक चौबन व्यवस्था रखी। बिल्कुल व्यवस्था रखी गई है और दिख रही है सबको, साफ सफाई पूरी सिटी को मैम बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया हुआ है। प्याऊ की भी व्यवस्था की गई है। हर पोल पे तो तिरंगा लगा दिया है, आप देखिए, आप लाइटिंग भूड़ से अंदर आइए आप तो काले आम तक हर पोल जितना भी है सेंटर पोल पड़े हुए हैं उसमें तिरंगा लाइट लगा के पूरा ही बुलंदशहर ऐसा लग रहा है दुल्हन की तरह सजा दिया। ऐतिहासिक बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रयास है। जब नया ही था, ये पहली बार ही हुआ है योगी जी के समय में। सही बात है, एग्री। हाँ जी, चलिए। और अब 15 अगस्त आ रही है। बिल्कुल, मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की, और सबसे आग्रह करूंगा कि सब लोग अपने अपने ध्वज पे ध्वज लगाएं, राष्ट्रीय ध्वज अपने घर पे लगाएं अपने। जी बिल्कुल, जरूर लगाएं जी। चलिए सर, और कुछ कहना? हाँ जी, बस बस। चलिए, कितनी अच्छी शानदार बात कही है। राष्ट्रहित में, देशभक्ति के अंदर भाई साहब और भाभी जी ने, दोनों ने कहीं ना कहीं योगी सरकार से बड़े संतुष्ट नजर आए, कहीं ना कहीं मोदी जी से भी, जो उनकी रणनीति रही है धरातल पर, और कहीं ना कहीं शिव भक्तों को इसका लाभ मिला है। इसके साथ साथ जलाभिषेक कर मन्नतें मांगी उज्ज्वल भविष्य के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिजनों के लिए, और कहीं ना कहीं पूरे देशवासियों के लिए, कहीं ना कहीं शांति और सौहार्द और भाईचारे के लिए, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं विकास हेतु हमारा देश और तरक्की करे, और कहीं ना कहीं और विश्व के अंदर अपने देश का नाम हो। इसके साथ साथ स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की तैयारियां शुरू हो गई हैं तमाम पोलों पर। यहां पर डीएम साहब और कप्तान साहब ने मिलकर, यहां सिविल अथॉरिटी ने तिरंगे की लाइटें लगाई हुई हैं, और ख़ुद भाई साहब ने अभी अपील की है सब जनपद वासियों से, सभी देशवासियों से, कि अपने अपने आवास पर 15 अगस्त को जो है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को लगाने का जरूर लगाने का कार्य करें, और ये एक महान कार्य होगा, सेलिब्रेशन, एक ऐतिहासिक सेलिब्रेशन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जी, इस हम 75वां साल है हमारी आज़ादी का, अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम, बहुत खुशी से हमें मनाना चाहिए, और 15 अगस्त को सब लोग अपने अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज जरूर लगाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार। तो ये थे एक बहुत अच्छा परिवार बुलंदशहर का, और कहीं ना कहीं सर समाज की सेवा में समर्पित रहे, और स्वर्गीय लाला हकीम मुकट लाल जी के ये पोत्र हैं, और कहीं ना कहीं प्यारे वर्ष अभी मुझे याद आया, और बहुत ही जिसे कहना चाहिए पूरा परिवार कुटुंब आज भी समाज की सेवा करते आए हैं, ये अपने आप में बुलंदशहर ज़िले के अंदर इस परिवार को एक अलग पहचान से जोड़ता है। थैंक यू भाई साहब, और कहीं ना कहीं राष्ट्रहित के लिए हमेशा सदैव खड़े रहे। ज़रा दिखा दीजिए, देखिए तांता लगना शुरू हो गया है, और जलाभिषेक के लिए गुड़िया, नन्हे नन्हे बच्चे हैं साथ में, माता पिता हैं, छोटे छोटे बच्चे, और इधर जो है परिवार के साथ में हमारी बहन बेटी सब लोग, सीनियर सिटीजन श्रद्धालु आ गए हैं, और इनसे भी बाइस लेते हैं, आपको यहाँ पे और दिखा देते। एक छोटी सी गुड़िया है यहाँ पे, मुन्नी गुड़िया, वहाँ से गुड़नी। बेटा क्या नाम है आपका? पाखी। अरे वाह, नाइस नेम पाखी। तो बेटा जलाभिषेक हो गया आपका? हाँ।
अच्छा, और कौन है साथ में? मैं फादर हूँ। शुभ नाम क्या है आपका? आशीष कुमार शर्मा। अरे शर्मा जी स्वागत है अभिनंदन है। थैंक यू सर। तो बेटा आप कहाँ गए थे ये जल लेने के लिए? हरिद्वार। हरिद्वार आप भी गए थे? नहीं, नहीं, मैं गई। अच्छा मम्मी गई थी, दादी अम्मा अम्मा। अच्छा शुभ नाम क्या है? नमस्कार सरोज शर्मा, स्वागत है। नंदकिशोर शर्मा, बहुत अद्भुत है हमारे लिए, पोती साथ में, भैया साथ में, भाई साहब वकील साहब आ गए। नमस्कार वकील साहब। शर्मा जी स्वागत है चैनल में। कैसा महसूस हुआ? जलाभिषेक हो गया? बहुत अच्छा जलाभिषेक हो गया, बहुत सुंदर हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, आनंद पूर्वक, बहुत बढ़िया। अरे भसा चलिए तो प्यारे, बस देखे कितना अच्छा परिवार है, इसको कहते हैं ये है पूरा पूरा हिंदुस्तान। ये देखे, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और वकील साहब शर्मा जी की मिसिज ने, जो कि मेरी भी अम्मा जी लगती हैं, मेरी भी माँ समान है, उन्होंने मुझे प्रसाद दिया है और ये मेरे लिए बहुत अनमोल है। बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से सैल्यूट आपके प्रेम इसने मोहब्बत को। और गुड़िया पाकि आपको भी क्या मन्नतें मांगी आज आपने, बताएं प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए। पढ़ने की। पढ़ने की। देखिए कितनी प्यारी गुड़िया है, कितनी प्यारी हमारी बेटी है, कि जलाभिषेक करते समय जो मन्नत एक रीति रिवाज होता है, इस बिटिया ने पढ़ाई के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए मन्नत मांगी शिव जी के मंदिर में आकर और गंगा जल अर्पित करते समय। और आप इधर आए, ये छोटे श्रद्धालु हैं। आपका शुभ नाम क्या है बेटा? कुंज। कुंज शर्मा। कुंज शर्मा, नाइस नेम। पढ़ रहे हैं बेटा अभी? किस स्कूल में जा रहे हैं? LPS। वेरी गुड, नाइस। और कुछ अम्मा जी, बस घर के पेड़ी पे कैसा रहा? लगा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत आपके विशेष विशेष बात थी, विशेष तैयारियां थी, विशेष प्रोग्राम थे। और शिविर में बहुत ज्यादा शिविर लगे हुए थे, खूब शिविर शिविर, बहुत बहुत बढ़िया लंगर, बहुत बढ़िया, सब 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 कुछ, सब सुविधा, बहुत आनंद आया, बहुत आया। और इस बार तो योगी जी महाराज के श्रद्धालु बड़े सभी ने, मैंने बहुत कवर किया है, कहने के योगी जी महाराज को हम बिल्कुल दिल से चाहते हैं और वो मुख्यमंत्री हम हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। उनका उनका महान के लिए। अरे वाह, देखिए एमआर मॉल के अंदर गणेश जी मुझे मिले थे दो दिन पहले, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम देखना चाहते हैं योगी जी महाराज को प्रधानमंत्री के रूप में। आप भी यही चाहते हैं? यही चाहती हूँ, दिल दिल से। प्यारे बस देखिए योगी जी महाराज, ये वीडियो आप तक अवश्य पहुँचेगा। देखिए बुलंदशहर की धरती पर कांवड़ लेके हमारी बहन, हमारी चाची, हमारी ताई जो है परिवार के साथ में हर की पौड़ी से यहाँ बुलंदशहर आई और जलाभिषेक करके कहीं ना कहीं आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना की है। और कहीं ना कहीं शिव मंदिर राजेश्वर शिव मंदिर साठा के अंदर मनोकामना की है, और कहीं ना कहीं आपको आशीर्वाद दिया है। श्रद्धालु आपसे बहुत संतुष्ट हैं और कहीं ना कहीं आपको प्रधानमंत्री के रूप में भी देखना चाहती हैं। बिल्कुल यस। तो मतलब भगवान की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और योगी जी के लिए? हर हर योगी, योगी चाहते हैं उनको प्रधानमंत्री, योगी चाहते प्रधानमंत्री बने। हाँ योगी महाराज, योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री बने, योगी राम जी प्रधानमंत्री बने। चलिए थैंक यू, चलिए थैंक यू, मैं गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू पाकि। और हम मिलेंगे आपके पास, आएंगे चाय पियेंगे, ओके पाकि, ओके थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू। तो प्यारे बस बहुत ही अपने आप में अनोखा परिवार, और नमस्कार थैंक यू। और यहाँ पर देखिए बड़ी श्रद्धा के साथ में, देखिए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे सुबह घर से स्नान करके और टीका लगाकर अपनी मम्मी पापा के साथ में दूध लेके, शहद लेके और कहीं ना कहीं गंगा जल लेके यहाँ पर जलाभिषेक के लिए आए हुए हैं। अपने आप में अद्भुत है प्यारे वर्ष। ये यहाँ पर ज़रा इधर इधर दिखा दीजिए, आप आगे आ जाओ, ये थोड़ा सा आगे दिखा दीजिए, अपने आप में प्यारे आगे चलते जाइए प्यारे वर्ष। देखिए कितनी लंबी पंक्ति है और हम दिखा रहे हैं, देखिए तमाम यहाँ पर अंदर जाके जलाभिषेक हो रहा है और जल को बिल्कुल वहाँ पर देखिए पंक्ति में सब लोग जा रहे हैं, सब महिलाएं परिवार के साथ में हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और जल के साथ साथ कहीं ना कहीं देखिए घंटा बजा रहे हैं। और यहाँ पर बड़ी आस्था के साथ में प्यारे वर्ष ये दिखाते जाए पूरा परिवार। और यहाँ पर एक परिवार बैठा हुआ है,
हम यहाँ पर भी नमस्ते, यहाँ पे नमस्ते भैया, शुभ नाम क्या है आपका, स्वागत है जी। हाँ तो जल अभिषेक हो गया। हाँ जी। हाँ कहाँ के रहने वाले? बुलंदशहर के। बुलंदशहर तो हर की पौड़ी गए थे जी। हाँ, हर की पौड़ी। आप भी साथ थी? मेरी माता। इस बार कैसी रही यात्रा? बहुत बढ़िया रही आपका। हाँ इस बार जो है अरेंजमेंट कैसे लगे आपको? बहुत बढ़िया। योगी जी महाराज से खुश हैं? इस बार बहुत बढ़िया, मोदी की बहुत बढ़िया। योगी जी ने बहुत बढ़िया काम करा इस बार। पहली बार विशेष है? हाँ जी, पहली बार इस तरीके से सीधा लाभ पहुँचा है। हाँ जी, बड़े तेवर से। हाँ जी। और कहीं ना कहीं आला अधिकारियों की जवाबदेही तय कर दी। हाँ जी, आपको बहुत बड़ा लाभ मिला है। हाँ जी, फूलों की वर्षा भी हुई अभी। जी जी जी, चलिए थैंक यू। तो प्यारे बस सभी श्रद्धालु यहाँ पे जलाभिषेक करके कहीं ना कहीं योगी जी महाराज से बहुत ज्यादा संतुष्ट नजर आ रहे हैं और परिवार के साथ में यहाँ पर अब खुशी के पल और कहीं ना कहीं चेहरे पर मुस्कान है। कुछ श्रद्धालु उधर बैठे हुए हैं, आइए आइए, जलाभिषेक हो गया, आइए आइए। नमस्कार भैया, शुभ नाम क्या है आपका? बोलिए। सॉरी, बोले बोले। अच्छा बोले, अरे भाई आप तो शिव जी के नाम आपने रखा हुआ है, आपके माता पिता ने शिव जी के भक्त है। जलाभिषेक हो गया आपका? जलाभिषेक चौदस में। अच्छा कैसे रही आपकी यात्रा? यात्रा बढ़िया रही, सब भोले बाबा के। आपके योगी सरकार के कैसे इंतजाम रहे, आपको अच्छे लगे? हाँ जी, फिरंग की बात आती है, मजा आया। प्रशासन भी बढ़िया आया, प्रशासन पुलिस प्रशासन चार चौवन व्यवस्था। हाँ, हर चीज की सुविधा, सुख सुविधा हर चीज की, हर चीज की। योगी सरकार को कितने नंबर देंगे 100 में से? 100 ही मिलेंगे। योगी जी देखिए आपके यहाँ पे भक्त हैं, एक एक शिव भक्त ने यही कहा है 100 में से 100 नंबर योगी जी को। जीत में इन्हीं की हुई, 24 में इन्हीं की सजा आएगी। मतलब 100 में से 100 नंबर योगी, 100 नंबर योगी जी, मतलब आत्मा की आवाज से कह रहे हैं। संतोष बाबा की दस वगैरह। चलिए थैंक यू जी, वही आएंगे हर बार। कितने नंबर दे रहे हैं योगी सरकार को? 100। तो संतुष्ट रहे इस बार? हाँ जी, कांवड़ यात्रा। हाँ जी, उन्होंने फूल भी बरसाए हेलीकॉप्टर से। संतुष्ट है, पूरे सही जा। देखिए प्यारे वर्ष ये देखिए, कहीं ना कहीं बिल्कुल मेहनत जाया नहीं जाती है। योगी महाराज जी ने जिस श्रद्धा से, जिस अपने रणनीति से कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत को पहचान कर, जमीनी हकीकत को पहचान कर अपने श्रद्धालुओं के लिए कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को बड़ी सख्ती के साथ में उनकी जवाबदेही तय कर दी और कहीं ना कहीं हर जिले के जिला प्रशासन ने बखूबी अपने कर्तव्य को निभाया और श्रद्धालुओं की आत्मा की आवाज़ है योगी सरकार इज द बेस्ट और योगी जी बार बार मुख्यमंत्री बने और कुछ श्रद्धालुओं का कहना है कि प्रधानमंत्री भी उनको बनना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो प्यारे वर्ष यहाँ पर देखें, आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पर परिवार जो है दूध शहद और कहीं ना कहीं गंगाजल लेके आए। यहाँ पर दिखा दीजिए, यहाँ दिखाते हैं प्यारे वर्ष, ये यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए परिवार एक एक करके जा रहे हैं यहाँ पर श्रद्धा के साथ में जलाभिषेक करने के लिए, और श्रद्धालु और परिवार यहाँ पर घंटे इसके तमाम यहाँ पर अपनी आस्था को लेकर बहुत ही उत्साहपूर्वक यहाँ पर प्रसाद लेके आए हैं। नमस्कार अम्मा जी, शुभ नाम के आपका, स्वागत है चैनल में, अभिनंदन है। सुदेश कोहली। नमस्कार, कैसा लगा इस बार कांवड़? यही बुलंदशहर से। अच्छा गंगा जल लेके आए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार, नमस्कार भाई जी। तो प्यारे वर्ष देखें, एक तरफ पुरुषों की लाइन है, एक तरफ महिलाओं की पंक्ति है। कहीं ना कहीं जो यहाँ के मठाधीश हैं और जो यहाँ के पंडित जी हैं, बहुत अच्छा अनुशासन को देखते हुए बहुत रश लगा हुआ है दोनों तरफ, एक बहुत ही उत्साहपूर्वक। देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे के हाथ में जो है दूध है, शहद है और गंगा जल है। देखें गुड़िया, देखें देखें प्यारे वो, देखें छोटी वो गुड़िया मुनिया भी बहुत प्यारी गुड़िया। तो आपको आगे लेके चलते हैं प्यारे वर्ष, और यहाँ पर बहुत ही अच्छे इंतजाम हैं। और ये देखें पुलिस प्रशासन की बात करें, चप्पे चप्पे पर जो है प्यारे वर्ष एसएसपी श्रीलोक कुमार जी ने, डीएम साहब ने बहुत ही शानदार तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है। हर तरीके से, हर डायमेंशन में श्रद्धालुओं को कोई किसी तरीके की परेशानी ना हो और कानून व्यवस्था में कहीं चूक ना हो, चप्पे चप्पे पे बिल्कुल हर तरीके से पुलिस प्रशासन
बिल्कुल सक्रिय बना हुआ है अपनी टीम के साथ में, और कहीं ना कहीं